नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर एक नजर। सीधी शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से अंतरराज्यीय बस स्टैंड का शुभारंभ हो गया। आपको बता दें कि सीधी शहर में यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब नया बस स्टैंड बनने से यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा होगा। नए बस स्टैंड के बनने के बाद से छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलने वाली है। इस संबंध में हमने कुछ यात्रियों से बात की। आपका सुनाम भैया? अनुराग मिश्रा। क्या कहेंगे नया बस शुरू होने पर? बहुत निकहा, बहुत अच्छा है। बस स्टैंड चालू है, सबसे बड़ा आराम है लेडीजन का, भा पैसेंजरों का आराम भाई। छाया ही, पानी है, लेटरिन पेशाब सब पूरी सुविधा ही है। लेकिन दुकान नहीं चालू हुई। दुकान बाहर है नहीं भाई, एक के बाद अपना का कही थे दुकान नहीं चालू भाई। लेकिन ओके साथ साथ जो सुविधा मिली है, जब लोग कितनी आदमी मरत रहा, पिए का पानी नहीं रहा, ठीक कौन लेडीज आई हमारे अपना घर के आई, कहाँ बाथरूम नहीं रहा, रोड में मजबूर रहे रोड चट्टी पेशाब करे में खुले में। अब यहाँ पर्दा है, छाया ही, पानी बरसी तो छाया है, कम से कम यह सुविधा ही और कुछ नहीं। ठीक, यहाँ का बस स्टैंड बहुत अच्छा हुआ, अभी पहले से बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। पहले वैसे लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, बिल्डिंग भी अच्छी बन गई, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बन गई है। आपका शुभ नाम कहाँ से है? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से हूँ। यहाँ ये बताइए, यहाँ आप जब कभी आती थी जी, सड़क में तो आपको बसों का इंतजार करना पड़ता था ना? हाँ, वो तो है। हाँ। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ, पहले से बहुत सुविधा भी हो गई है। संजय सिंह। कहाँ से? रीवा से। क्या लगता है नया बस स्टैंड चालू हो गया? ये अलग अनुभूति दिख रही है, स्टैंड चालू होने पर सीधी के गौरव की बात है। क्या लग रहा था कि वहाँ आप वहाँ पे अव्यवस्था हमेशा बनी रहती थी, बस स्टैंड चालू होने के बाद पूरी व्यवस्था एक पटरी पे आ गई है, जो हर पब्लिक के बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पहले भी आप आ चुके हैं? हाँ जी जी, पहले आए थे। नहीं, पहले आए थे, लेकिन पहले व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अब नए ट्रेन का लोग ही कुछ अलग है। थैंक्स। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम मैं आप मेरी कल हमने आवाज़ उठाई, आज सुबह बस स्टैंड चालू हो गया, उसमें प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक मांग मेरी और है जिला प्रशासन द्वारा कि कम बस स्टैंड तो खुल गया, यहां पे एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, यहां बहुत रात में असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं, पैसेंजरों को दिक्कत ना हो। और एक मेरा निवेदन प्रशासन से और है कि अदर बस स्टैंड लोग बनाए हैं, जैसे सम्राट चौराहा पुराने बस स्टैंड में भी हर जगह गाड़ियाँ लगती हैं, तो उनको भी सबको सारी बसों को यहीं से संचालित कराया जाए। कुल मिला के आपका ये कहना है सुबह से शाम, रात देर रात तक जो बसें का रूट है यहाँ होना, संचालन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मांग है प्रशासन द्वारा कि जितनी ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बना है सीधी में स्मार्ट सिटी के माध्यम से, तो जितनी भी बसें अदर स्टैंड बना के लगा रहे हैं वो सब बसों को यहाँ से संचालित होना चाहिए। लाइटिंग व्यवस्था यहाँ है? हाँ, लाइटिंग व्यवस्था एक नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं है। रात बसों के आवागमन के दो रूट, एक रूट अभी भी चालू नहीं हो पाए, क्या मानते? अब तो ठेकेदार बता सकते हैं किस कारण बस वो रूट चालू नहीं हुआ, लेकिन लोग बता रहे थे कि अगर एक आध महीने में चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल उतना जाम की स्थिति नहीं है, एक ही रूट में काम चल जाएगा। संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मेरी एक उनसे निवेदन है माननीय SP साहब जी से कि कम से कम पुलिस की व्यवस्था नए बस स्टैंड में कराई जाए। ज्ञापन के माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे? फिलहाल आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करेंगे। कल मिलने की हम लोग मिलने जाएंगे SP साहब और माननीय DM साहब जी से, निवेदन करेंगे जो कमियाँ यहाँ हैं उसके बारे में।